जिन्नी यार मुझे कैंडी खानी है। कौन मन लग रहा खाने का, मम्मा तो जाने भी नहीं देती। और मम्मा और कुछ शॉप से आ भी नहीं सकता, शॉप सारी बंद है। और मम्मा तो बोल चल रहा है, मम्मा तो बोल देती है नहीं जा पाते हम खेल लेते हैं। ये क्या हम पॉप्सिकल स्टिक्स बनाए? और फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाएंगे घर बैठे बैठे पॉप्सिकल स्टिक्स कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर उसको लाइक करना चाहिए, ऐसा बटन रखना, ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन। लेट्स स्टार्टेड गाइस। ये पॉप्सिकल स्टिक्स की रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए दो बोल्स, आप जैसे कि देख सकते हैं इधर, और हमने दो फ्लेवर के केक लिए, एक चॉकलेट है और एक वनीला। आपका केक कौन सा फेवरेट है? ये वनीला फ्लेवर है तो ये मेरा फेवरेट केक है, और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर ही मेरा फेवरेट है। और इसके लिए और हमें चाहिए न्यूटेला। इसके लिए और हमें चाहिए वो स्टिक्स जो आप पॉप्सिकल बनाने के लिए यूज करोगे, और हमें चाहिए एक ऐसी टाइप की बोल बड़ी वाली, और ये हमारे ये है मेल्टेड चॉकलेट जो हमने ऑलरेडी मेल्ट की हुई है, और कुछ स्प्रिंकल्स जो थोड़ा अपनी पॉप्सिकल्स को अच्छी और टेस्टी बना देंगी। पॉप्सिकल बनाने के लिए हम बोल में अपने फेवरेट केक्स ले लेते हैं, इसको अब क्रश कर देंगे अपने हाथों से। मेक श्योर ये पॉप्सिकल बनाने से पहले आपके हाथ ढंग से वॉश हो, हाइजेनिक। हाँ अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक बॉल में। हाँ न्यूटेला, हम इसको न्यूटेला इसमें डालते जाएंगे तब तक जब तक ये थिक ना हो जाए। हमने दो स्पून मैक्सिमम ले लिए हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमने इसको मिक्स किया है और फिर हमने ऐसे बड़ी सी बॉल बना ली है, और अब इस बॉल से हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। गाइस जैसे मार्केट में हमें लॉलीपॉप मिलती है वैसे ही शेप की बॉल्स बनानी है। और जब आप बॉल्स बना लोगे अपनी, आप एक अपनी एक स्टिक लो और फिर अपनी लॉलीपॉप में वो स्टिक अंदर डाल दो, जैसे लॉलीपॉप करते ऐसे बिल्कुल। फ्रेंड्स अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। हमने इसको फ्रिज में डाला और फ्रिज हमने निकाला तभी थोड़ी टाइट हो गई, और अब मैं इसको चॉकलेट में डिप करूंगी और फिर उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल्स डाल दूंगी। इस पर चॉकलेट की कोटिंग कर दी है और अब मैं इसमें स्प्रिंकल्स डाल दूंगी। इजी तरीका स्प्रिंकल्स डालने का है कि आप ऐसे पूरी जगह ऐसे ही कर दीजिए। जब आप स्प्रिंकल्स डाल देंगे इसको 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए फ्रीजर में। और आप इसको खा भी सकते हैं। करने वाले ये कैंडी मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। और गाइस चलो खाते। गाइस कितना बहुत अच्छा है, वो कैंडी नहीं आती। क्या फ्रेंड मैंने तो अभी वनीला वाली टेस्ट किया, चॉकलेट वाली टेस्ट। वही टेस्ट गाइस, अगर आपको हमारी ये पॉप्सिकल स्टिक्स की रेसिपी अच्छी आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर आप तो मेरे फ्रेंड्स हैं, आप तो कर ही देंगे है ना इन्हीं। हाँ ओके गाइस बाय बाय गाइस।